फाइनली 7 घंटे की जर्नी करके अब हम पहुंच गए रिजॉर्ट में। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ। मॉर्निंग ऑल। सो अभी हम आ गए हैं फर्स्ट पॉइंट पे और later. So, यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं पैरा सेलिंग करने। सो आप देख सकते हैं बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, लाइक एडवेंचर कर सकते हैं आप यहाँ के। और देखते हैं कि हम पैरा सेलिंग आज करते हैं या नहीं। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है बट मुझे इच्छा भी है करने की। सो लेट्स सी। यहाँ पे होगी बुकिंग पैरा सेलिंग और उसके बाद इस तरफ जाना है। Few inches later. So फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम जाने वाले हैं पैरा सेलिंग के लिए। फिंगर क्रॉस सब कुछ अच्छा हो और मज़ा आए। बस पहली बार मैं करने वाली हूँ, मैंने पहले कभी भी नहीं ट्राई किया। सो लेट्स सी कैसा होता है। और अगर जमा तो मैं वीडियो बनाऊंगी अगर अलाउ हो तो। सो चलिए चलते हैं। सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी पैरा सीलिंग करने के लिए। तो अभी हम जाएंगे और आप देखिएगा आगे की वीडियो में। सो हम 3 लोगों ने पैरा सीलिंग की थी। जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ये है सारंग भैया की, जो कि है मेरे नंदोई। सो फाइनली हो गई हमारी पैरा सेलिंग। बहुत मज़ा आया। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बट उसके बाद जब किया तो ऊपर का जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। वो देखने के बाद तो सब कुछ भूल गई मैं। सो अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी ज़रूर करिए। तो बहुत मज़ा आया। नीचे आते वक्त थोड़ा सा पैर मेरा ट्विस्ट हुआ, लाइक थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो ठीक है उतना तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अगर पहले भी किया होता तो मैं रन कर पाती। रन करना होता है नीचे आने के बाद, तो थोड़ा सा हुआ बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। सो ओवरऑल बहुत मज़ा आया। अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब चलते हैं किसी और पॉइंट में। 1 hour later. सो आफ्टर पैरा सेलिंग हम आए हैं यहाँ पर रिचगढ़। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये फिलहाल तो मुझे पूरा यहाँ पर जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं पीछे पे, बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। तो चलिए ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू।
इसमें काफी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है अब। वाओ, जितनी भी आप मेहनत कर लो चढ़ने में या उतरने में, उसके बाद जो आप व्यू एंजॉय करते हो ना, तो सब कुछ वर्थ हो जाता है। बहुत ही ऊपर आ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ से कितने ऊपर हैं हम लोग। आप देख रहे हैं सामने गुफा जैसा, ये एक्चुअली गढ़ है क्योंकि ये पूरा पानियों से कटकर बना हुआ है, नेचुरली बना हुआ है। तो फाइनली हम लोग इस केव के अंदर आ गए। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा लगेगा। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ठंडा है यहाँ पे, जैसे किसी ने एसी लगा दिया हो। आगे का व्यू कितना सुंदर है। ये जो पूरी गुफा है, ये जो पूरा गढ़ है, ये पानियों से कटकर बना हुआ है। सो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये आप सामने जो दो पहाड़ देख रहे हैं उसके पीछे जाना मना है क्योंकि उसके पीछे पूरा जंगल है और वहाँ पे जंगली जानवर निकल सकते हैं, तो वहाँ जाना मना है। सो हम यहाँ पर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप फोटो सेशन कर सकते हैं। तो अब हम सभी उतर रहे हैं नीचे। कुछ नहीं होता उसके बगलों की बाबा है।
जाना है। ये देखिए सामने जो व्यू है, ये सामने रेलिंग लगी हुई है, यहाँ से सामने सीधा है, मतलब चढ़ाई भी करना है, सीढ़ी भी जाना है, यहाँ दाई जाना है, यहीं से दिखूंगा। हाँ यही सामने की तो रीचगढ़ के बाद अभी हम आए हैं धूपगढ़ में और यहाँ से सनसेट नज़र आता है, पर यहाँ पे जो गाइड है वो बता रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा क्लाउड है, उसके वजह से पता नहीं सनसेट दिखेगा या नहीं। बोला जाता है एमपी और छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पॉइंट होता है 4429 फीट मीटर में 1352 मीटर। इसके बाद चौड़ागढ़ मंदिर है हमारे यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसको हर्बस कोर्ट भी बोला जाता है। यहाँ मेडिसिन वगैरह का क्षेत्र है क्योंकि आदिवासी पहले मेडिसिन वगैरह लेने आते थे जब ये पॉइंट वगैरह नहीं था, और भी जंगल से अंदर से भी लाते हैं, लेकिन पूरा हर्बस कोर्ट कहलाता है। सामने जो बिल्डिंग अभी यहाँ आप सनराइज का व्यू देखेंगे, फिर अपन सीधे बिल्डिंग देखेंगे, तो फिर बिल्डिंग की मैं आपको स्टोरी वहीं थोड़ा बता दूंगा। तो आप लोग व्यू देख के आइए 5 मिनट, फिर अपन इस तरफ चलते हैं। हम जा रहे हैं इस तरफ का व्यू देखने जहाँ से सनराइज नजर आता है, तो इधर भी बोलते हैं व्यू बहुत सुंदर है, पहाड़ियों का व्यू नज़र आता है। सो चलिए चलते हैं। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैंने ये स्वेटर पहन लिया, एक्चुअली ये स्वेटर नहीं है, ओवरकोट जैसा ही है, तो वो मैंने पहन लिया। सो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट में जो है ठीक अपोजिट, तो उस पॉइंट में जाएंगे, वो है सनसेट पॉइंट। सनसेट तो नहीं दिखेगा बट ऐसी ही पहाड़ियाँ नजर आएंगी वहाँ से भी, तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ का व्यू। कॉफी है, कॉफी और किसका रह गया अभी? एक ही देते हैं अंकल, ओनली वन। सो यहाँ पर हम सभी रुके चाय पीने के लिए, और ये जो आप सामने घर देख रहे हैं ये दूसरा घर है जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। नीचे पचमढ़ी में एक घर है जो अंग्रेजों ने बनाया है, और ये दूसरा है जो पहाड़ियों पे है। सो ये अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ घर है, और यहाँ पर हम रुके हैं चाय पीने के लिए। सो मैंने लिया हुआ है कॉफ़ी। सो ये है धूपगढ़, और ये है यहाँ का म्यूज़ियम। सो ये 1885 में बना था जब अंग्रेज यहाँ पे राज किया करते थे। सो तब सीमेंट और ईंटें हुआ नहीं करते थे, तो उन लोगों ने लोकल चीज़ों को यूज़ करके ये म्यूज़ियम बनाए हैं, जैसे कि गोंद, दाल, पत्थर, इन चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने ये घर जो है वो बनाया था, जिसे अभी म्यूज़ियम के रूप में बदल दिया गया है। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है जहाँ पे पुरानी चीज़ें हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो पर्यटक क्षेत्र है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। सो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आप जा सकते हैं। सो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ जहाँ से हमको सनसेट नज़र आएगा। फिलहाल क्लाउड्स के वजह से सनसेट नहीं दिखेगा ऐसा गाइड बता रहे हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। सो ये है धूपगढ़, और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। We'll be right back.
सो फाइनली हम लोग को सन का व्यू तो मिल गया, सेट होते हुए दिखेगा या नहीं पता नहीं, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से सन को देखकर, क्योंकि जो बाजू की पहाड़ियाँ हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। सो लिटरली ये वर्थ है यहाँ आना, अगर आप पचमढ़ी आते हैं तो धूपगढ़ ज़रूर है। सो ये आप देख सकते हैं सनसेट का व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सनसेट हो रहा है।